तुमसे मिलने की पहल 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 वो कौन सी मंजिल है जो पाना सके नारी बदलाव के भारत की महिला आज एक नए रूप में और नई नई भूमिकाओं में लोगों के सामने आ रही है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उसने अपनी योग्यता का परचम न लहराया हो। देश में नारी के इस बदलते हुए रूप और छवि के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं का संघर्ष है जिन्होंने जीवन में नए रास्ते बनाए। हर दिशा में नारी की ताकत और काबिलियत से समाज के सोचने के अंदाज में एक बदलाव आया है। हमारा ये सीरियल पहल ऐसी ही महान नारियों की जद्दोजहद की कामयाबी की कहानी है जिसे हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। राजनीति हो या समाज कल्याण, शिक्षा प्रशासन हो या महिला उत्थान, एक नाम हर क्षेत्र में सामान्य रूप से आज़ादी से पहले और उसके बाद भी पूरे भारतवर्ष में सुना जाता रहा है और वो नाम है श्रीमती हंसा मेहता। एक कर्मशील और प्रबुद्ध महिला जिन्होंने देश की अनेक रूपों में सेवा की। गांधी जी की पुकार पर श्रीमती हंसा मेहता सत्याग्रह आंदोलन में कूदी और फिर उन्होंने ऐसी जोरदार भूमिका निभाई जिसे आज भी याद किया जाता है। देश के महिला आंदोलन से वो शुरू से ही जुड़ी रहीं। आज़ादी की लड़ाई और महिला मुक्ति को दोनों को उन्होंने एक ही समझा। लेकिन जो छवि उनके नाम के साथ खास तौर पर जोड़ी जाती है वो है एक लीडिंग एजुकेशनिस्ट की। चौदह और पंद्रह अगस्त 1947 के बीच की रात, 12 का गजर होते होते भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विधिवत सत्ता सौंप दी। भारत के इतिहास का यह शायद सबसे रोमांचकारी क्षण था। इस अवसर पर नेहरू जी के हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा पकड़ा देने की रस्म जिस महिला ने निभाई वो थी श्रीमती हंसा मेहता। अंग्रेजी साम्राज्य के सूर्य के अस्त होने के साथ साथ एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के क्षितिज पर भारत का उदय हुआ। इस रस्म को निभाने के लिए हंसा मेहता का चुना जाना किसी संयोग की बात नहीं थी। इसके पीछे थी आजादी की लड़ाई में उनकी साहसपूर्ण और स्मरणीय भूमिका। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में उनका वो अमूल्य योगदान जिसके लिए पूरे देश में उनका नाम गर्व से लिया जा रहा था। महात्मा गांधी की भूमि गुजरात के सूरत नगर में जन्मी हंसा बेन मेहता देश की उन साहसी और राष्ट्रनिष्ठ महिलाओं में से थीं जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना था, मातृभूमि की स्वतंत्रता। गांधी जी की अहिंसक क्रांति की एक वीरांगना की तरह उन्होंने नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पुलिस की बर्बरता की परवाह न करते हुए अंग्रेजी साम्राज्यवाद की शक्ति को आगे बढ़कर ललकारा। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सत्याग्रही महिलाओं का नेतृत्व करते हुए विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए दुकानों के सामने जा जाकर धरने दिए और उनके मालिकों को देश के कपड़ा उद्योग को बचाने की दुहाई दी। विदेशों में बने कपड़े के एक एक धागे को
उन्होंने देश के बुनकरों के गले में फंदे के रूप में देखा। धनसा मेहता ने जब बंबई में ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने काफ़ी उसमें सक्रिय योगदान दिया। उसमें कांग्रेस में तब वहाँ एक ये ऐसी थी कि एक एक करके वो लीडर या डिक्टेटर कहती थी, तो एक डिक्टेटर जेल में जाए तो दूसरा वो नेता बन जाती थी। तो इसमें हंसा मेहता की भी बारी आ गई और वो भी कांग्रेस की थोड़ी समय के लिए वो भी लीडर बन गए, तो उन्हें भी गिरफ्तार करा गया और जेल में चली गई। हंसा मेहता जी 3 जुलाई 1897 में सूरत में पैदा हुई और उसका अर्ली एजुकेशन वो सूरत में ही हुआ और वो मैट्रिक एजुकेशन में प्रथम स्थान मिला उसको और उसके बाद उसको MBA भी ऑनर्स पोजीशन उसको मिला था। बाद में 1924 में वो जीवराज मेहता जी के साथ उसका शादी हुआ। जीवराज मेहता जी अपना महात्मा गांधी का पर्सनल फिजिशियन था और वो बाद में बॉम्बे का चीफ मिनिस्टर बन गए। जीवराज मेहता से अपने विवाह के बाद मुंबई को अपना कार्यक्षेत्र बनाते हुए हंसा मेहता ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। हमारे साथ उनका काफ़ी पारिवारिक संबंध था। मैं भी गुजरात के अहमदाबाद की हूँ, उनकी फैमिली बड़ौदा के थे। उनके पिता तो सर मनुभाई मेहता बड़ौदा के दीवान थे, तब वो जेल में गई और इसी के लिए काफ़ी गुजरात में उनका प्रभाव भी हुआ, उनकी सब कोई उनके बारे में जानती थी। वे मुंबई महानगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की संचालन समिति की सदस्य बनी और इस हैसियत से काम करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। महिला शिक्षा और देश की स्वतंत्रता को उन्होंने एक करके देखा। दोनों का संबंध बेड़ियों के टूटने से था। 1927 में ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस के पूना सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर जमकर बहस की। विदेश में महिला आंदोलन से आजीवन जुड़ी रहीं। इस सब के बीच शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा पर वे बराबर ध्यान देती रहीं। 1937 में जब चुनाव हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो हम कहते हैं, उसमें वो इलेक्शन में खड़ी रही और लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनी गई और उसके बाद जब कांग्रेस ने पहली अपनी सरकार बनाई तो हंसा मेहता उसमें शामिल हुई थी। वो डिप्यूटी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, तब से उन्होंने शिक्षा में बहुत रस लिया। देश में शिक्षा के स्वरूप और समस्याओं को और भी अधिक निकट से समझने का मौका हंसा मेहता को उस समय मिला जब 1946 में उन्हें मुंबई के SNDT महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। वे देश की पहली महिला वाइस चांसलर थी। हंसा मेहता जी SNDT से तो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है क्योंकि वो हमारी पहली वाइस चांसलर थी। वो 1946 में SNDT यूनिवर्सिटी में थी। SNDT विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में हंसा मेहता का सबसे बड़ा योगदान गृह विज्ञान यानी होम साइंस के लिए अलग विभाग की स्थापना का था। यह उनकी एक महत्वपूर्ण पहल थी जिससे लड़कियों के लिए कैरियर के नए रास्ते खुले। जिस टाइम हंसा मेहता जी ने होम साइंस इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम से अब तक लास्ट 5 decades में होम साइंस बिल्कुल अलग सी चीज बन गई है। जैसे बाकी कोर्सेज हैं मेडिसिन इंजीनियरिंग, वैसे ही होम साइंस अब एकदम प्रोफेशनल कोर्स है। हमारे कॉलेज में अभी 1500 लड़कियां पढ़ती हैं। 10 स्पेशलाइजेशन हम ऑफर करते हैं, अप्लाइड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, देन इंटीरियर डिजाइन, कंज्यूमर एजुकेशन, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग। तो जो जो उनका इंटरेस्ट होता है उस एरिया में लड़की ज्वाइन करती है कि उसको ये बनना है। अगर उसको टेक्सटाइल का बनना है तो वो टेक्सटाइल कोर्स के लिए ही एनरोल करती है। पहले जो होम साइंस थी कि लड़कियां हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखती थी, अभी जो लड़कियां आती हैं वो एक ही चीज़ के लिए एक्सपर्ट बनती हैं। तीन वर्ष तक SNDT महिला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहने के बाद हंसा मेहता को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनाया गया।
इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन स्वयं जीवराज मेहता ने मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में किया। जब बड़ौदा यूनिवर्सिटी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो पहले उपकुलपति हंसा मेहता रही। वो बड़ौदा की थी, उनके परिवार बड़ौदा के थे और महाराजा सयाजीराव ने काफ़ी महिलाओं के लिए, महिला शिक्षा के लिए काम भी करा था। इसीलिए ये बहुत इट वॉज़ वेरी अप्रोप्रिएट कि हंसा मेहता ये यूनिवर्सिटी की पहली, शायद हिंदुस्तान की पहली महिला उपकुलपति रही। हंसा मेहता ने 1958 तक यानी लगभग 10 वर्ष इस पद पर काम करते हुए अपना उत्तरदायित्व निभाया। यहां उन्होंने शिक्षा की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में अपनी गहरी समझ का परिचय दिया और विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन किया। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में उनका अनुभव और भी मंझ गया और उनके दृष्टिकोण में परिपक्वता आई। सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी हंसा मेहता ने होम साइंस की एक अलग फैकल्टी की स्थापना की, जहां लड़कियां प्रवेश लेने के लिए आज भी बहुत उत्सुक रहती हैं। उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में काफी नई नई फैकल्टीज करी। एक तो मैं कहूं कि होम साइंस, उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ौदा में, जैसे कि हम अच्छे टीचर्स बनाए शिक्षा के लिए, इसीलिए बड़ौदा यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए, और एक मैं कहूं कि शांति निकेतन के अलावा कोई जगह इतने अच्छे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स नहीं थी। ये अगले 50 साल में बड़ौदा इज द लीडिंग सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिस्ट, कलाकारों के लिए। तो ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जो उन्होंने, जिसकी स्थापना करी बड़ौदा में, ये कुछ नए नए बहुत कुछ उन्होंने विषय वहाँ उसकी शुरुआत की यूनिवर्सिटी में, और सिर्फ बड़ौदा में नहीं और भी जगह में जहाँ भी उनके उनका संपर्क था। एक एग्जेम्पलरी वुमन वाइस चांसलर थी, फिर भी छोटी छोटी चीज में बहुत दिलचस्पी लेती थी। एज फॉर इंस्टेंस बर्ड वॉचिंग, क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, इसलिए मैं मानती हूँ वो अजीब थी। एंड वी शुड यूज हर क्वालिटीज, हर एग्जाम्पल एज अ रोल एग्जाम्पल, रोल मॉडल। हंसा मेहता की इन्हीं सेवाओं के लिए महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उनकी स्मृति को समर्पित है। इस पुस्तकालय में हर विषय पर पुस्तकें अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं। छात्र छात्राएं यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। लिटरेचर में तो बहुत रुचि लेती थी और गुजराती में भी कुछ लिखा है उन्होंने, नाटकों, अंग्रेजी में भी लिखा है, कई शेक्सपियर के ड्रामा भी ट्रांसलेट किया है गुजराती में, चिल्ड्रंस लिटरेचर में भी कुछ उन्होंने काम किया है। फिर सोशल वर्क में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के एक फाउंडर मेंबर थी सरोजिनी नायडू और हंसा बेन मेहता। समाज सेवा की गांधीवादी प्रेरणा ने हंसा मेहता को महिला उत्थान की ओर अग्रसर किया। इस क्षेत्र में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू उनकी आदर्श रही। गरीबी की यातनाएं झेल रहे देशवासियों के पिछड़ेपन की समस्याएं दूर करने के लिए उन्होंने अपना समय समर्पित किया। वास्तव में हंसा मेहता ने महिलाओं के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए काम किया। हंसा मेहता 1945 में हमारी ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट रही हैं, और ये लेडी इरविन कॉलेज जो है ये मार्गरेट कजन, हंसा मेहता और धनवंतरी राव, इन तीनों की देन है, जो कि एक इंडिया में एक अपनी तरह का एक एग्जांपल है कि औरतों के लिए होम साइंस कॉलेज कितना ज़रूरी है। एक महान विचारक थी और उन्होंने ऐसे समय में ये विचार रखे जब महिलाओं की शिक्षा दीक्षा आदि के बारे में बहुत कम लोग सामने आते थे या अमूमन ये समझते थे कि सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को अपने घर गृहस्थी निभानी है और पुरुषों को बाहर का कामकाज देखना है और परिवार का लालन पालन करना है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग थे
जो ये सोचते थे कि महिलाओं को थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ने लिखने का हो और कुछ धार्मिक शिक्षा की ओर झुका हो और इस प्रकार की एक शिक्षा हो कह लीजिए, जिससे घर गृहस्थी अच्छी चले और अपने बच्चों को वो पाल सकें और अपने परिवार और समाज की देखभाल कर सकें। उस समय पर लड़कियों की शिक्षा पर इतना जोर नहीं था। जब ऐसे विचारक हुए तो उन लोगों ने यह विचार रखा कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और यह दर्जा तभी मिल पाएगा जब उनकी शिक्षा बराबर की हो। उस ज़माने में श्रीमती हंसा मेहता जिन जो पहली उपकुलपति रहीं, जो बम्बई में और बड़ौदा में उपकुलपति रहीं, उन्होंने उस अपने महान विचार रखे और ये सामने लाया कि शिक्षा नीतियों में महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए और महिलाओं को ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं जो लड़के पढ़ते थे या पुरुष पढ़ते थे, और महिलाओं का दायरा केवल रोटी घर गृहस्थी और ये जो एक विचार रहते हैं अमूमन लोगों के कि इसी दायरे में समेट के रख लिया जाए, वो नहीं होने चाहिए। 1950 में जब सरकार ने एक सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा के लिए एक कमीशन बनाया, पहले तो हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक 1948 में राधाकृष्णन कमीशन हुआ, उसके बाद 1950 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और हंसा मेहता उनकी चेयरमैन थी और उन्होंने इसमें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में काफ़ी महिला शिक्षा के बारे में कहा और कि महिला शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये कमीशन में उन्होंने बहुत काम किया। शिक्षाविद के रूप में हंसा मेहता का शिक्षा प्रशासन में विशेष स्थान रहा। वे भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सदस्य थीं और इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की अध्यक्ष। शिक्षा और समाज सेवा के साथ साथ हंसा मेहता संवैधानिक विषयों की भी विशेषज्ञ थीं। अपने अनुभवों के आधार पर वे 1947 से 1950 तक केंद्रीय संविधान सभा की सदस्य रहीं। हिंदू कोड बिल को पास कराने में वे विशेष रूप से प्रयत्नशील रहीं। मैंने अपना कैरियर कॉन्स्टेंट असेंबली से स्टार्ट किया था और सन 1988 तक मैं पार्लियामेंट में बराबर रहा। जहां तक मिसेज हंसा मेहता का सवाल है, वो कॉन्स्टेंट असेंबली में मेंबर थी, वो जो कॉन्स्टेंट असेंबली लेजिस्लेटिव के मेंबर थे वो प्रोविजनल पार्लियामेंट में आ गए और वो 2 साल तक, जब तक पहले इलेक्शन नहीं हुए, वो भारत की प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी, उसमें भी हंसा मेहता जी थी और कुछ ही गिनी चुनी महिलाएं उस समय राजनीति में थी और उसकी रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट में भी थी। महिलाओं के अधिकारों की जब चर्चा होती है तो यदि हम हिंदू कोड बिल का वर्णन ना करें तो बात बिल्कुल अधूरी रह जाती है। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं को काफ़ी अपने साथ रखा, उनका योगदान रहा और इसी सिलसिले में बहुत सी महिलाएं उनके संपर्क में आईं और उनमें से हंसा मेहता जी भी एक थीं, जिन्होंने ये सोचा और उनको ये एहसास हुआ कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, महिलाएं क्यों पिछड़ रही हैं, ये उनका अहम मुद्दा था, अहम प्रश्न था। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल की चर्चा की जो कि एक संपूर्ण कोड था। कोड यानी उसमें महिलाओं के शादी ब्याह के जो अधिकार हैं उनके विषय में चर्चा थी, उनकी सामाजिक समानता के बारे में चर्चा थी, उनकी आर्थिक समानता के बारे में भी चर्चा इसमें हुई थी। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, सबने इसका विरोध किया और पार्लियामेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और ये पास नहीं हो पाया। ये बहुत पुरानी बात है, सन 48 की बात है, 47-48 की बात है। 47 में तो हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था, ये 48 की बात है। और नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि
यदि एक कोड के रूप में इसको पास करने की कोशिश करो तो कुछ लोगों को विरोध होता है शादी ब्याह के लॉज के बारे में, कुछ लोगों को होता है प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, संपत्ति के विषय में, कुछ और को होगा कि मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए महिलाओं को, या उनको पैतृक संपत्ति में उनकी जो उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो इन सब के विरोध के एक हो जाने के कारण ये बिल जो है ये पास नहीं हो पाया। तो नेहरू जी ने इसको टुकड़ों में कर दिया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, और इसी तरह उनको भागों में विभाजित करके उन्होंने सन 55 और 56 में ये सारे एक्ट्स जो हैं वो पास किए। और उसके बाद से महिलाओं की जो स्थिति है उस पर काफ़ी अंतर पड़ा है। यूएन असेंबली में भी उन्होंने स्टेटस ऑफ वुमन के ऊपर काफ़ी, इंडियन वुमन्स क्या क्या स्टेटस है इसके ऊपर भी काफ़ी किया। यूनेस्को की वो मेंबर थी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था उनमें जो भारतीय डेलीगेशन में उनको उन्हें मेंबर बना गया था, मेंबर थी, डेलीगेशन की लीडर थी शायद, और उन्होंने एक विमेंस चार्टर ऑफ राइट्स बनाया था कि विमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, जो आज हम बहुत ज़ोर से कह रहे हैं और जिसके लिए आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मान लिया है कि विमेंस जो जो महिलाओं के अधिकार है वो मानविक अधिकार है। तो इसके लिए हंसा मेहता ने आज से 50 साल पहले इसका इसके लिए कहा था। श्रीमती हंसा मेहता ऐसी अग्रणी महिला थी जिन्होंने काम भी किया और मार्गदर्शन भी दिया ताकि नीतियों में आमूल परिवर्तन आए और महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास दूरगामी हो और बहुर्मुखी हो। हंसा मेहता ने अनेक क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की, परिवार नियोजन की ओर भी उन्होंने पर्याप्त ध्यान दिया। उन्होंने ऑल इंडिया फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की गतिविधियों में काफी हिस्सा लिया। वास्तव में उन्होंने उन सभी समस्याओं को पहचाना जिनका राष्ट्र के हित में मुकाबला करना जरूरी था और इन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, यही उनका योगदान रहा। सामाजिक क्षेत्र में बराबर सक्रिय रहते हुए उन्होंने ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस की गतिविधियों को और भी व्यापक रूप दिया। हंसा मेहता को विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतिष्ठा मिली। उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया और डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। आज हंसा मेहता के न होने पर भी उनका योगदान अविस्मरणीय है।